कौन सा था संजय का पहला खलनायक किरदार? क्या फर्क आया संजय के किरदारों में 36 सालों में? क्या मिलेगा साउथ इंडस्ट्री को एक नया विलेन अदीरा के रूप में? जानने इन सभी मजेदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत। दोस्तों, संजय दत्त पिछले 38 सालों से बॉलीवुड के चहेते बने हुए हैं। अपने करियर की शुरुआत फिल्म रॉकी से करने वाले संजय बेहद ही मासूम और चॉकलेटी हीरो कहे जाते थे। उनकी आंखों से मासूमियत झलकती थी, लेकिन 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 जिंदगी ने किए कुछ हसीन सितम और चॉकलेटी बॉय को बना दिया खलनायक। और मजे की बात ये है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ संजय दत्त ही ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शान से खुद को खलनायक कहा। कह सकते हैं कि संजय दत्त एक सफल हीरो के साथ साथ एक सफल विलेन भी रहे हैं। और संजय दत्त की फिल्मों की सबसे खास बात यही रही कि उनके काम की तारीफ जितनी हीरो बनकर नहीं हुई उतनी विलेन बनकर हुई है। संजय दत्त एक और फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का नाम है KGF चैप्टर 2 और फिल्म में संजय दत्त अधीरा का किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म कोलार गोल्ड फील्ड को जीतने पर आधारित है, जिसकी बात हम आपसे बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन अब KGF 2 में KGF 2 की बात नहीं करेंगे तो आप कहेंगे व्हाट इज द कनेक्शन। तो इसी कनेक्शन को जारी रखते हुए हम आपको बताएंगे संजय दत्त के पहले विलेन रोल्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं खलनायक से, जिसमें संजय दत्त ने पहली बार एक खलनायक के किरदार को निभाया था। साल 1993 में बनी फिल्म खलनायक संजय के जीवन की यादगार फिल्म थी। न सिर्फ इसलिए कि इसमें उन्होंने खलनायक का रोल निभाया था, बल्कि इसलिए भी कि इसी साल मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट जिसमें 250 लोग मारे गए थे, उसमें अंडरवर्ल्ड से संबंध और घर में एक 56 राइफल रखने के आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। और इसीलिए नायक नहीं खलनायक हूँ मैं वाला गाना सही मायने में संजय दत्त पर फिट बैठा था। बता दें कि खलनायक में संजय दत्त ने पहली बार नेगेटिव रोल किया था। लेकिन हीरो की इमेज उतार कर एक विलेन का किरदार निभाना संजय के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। इस फिल्म में संजय दत्त बल्लू के किरदार में दिखे थे, जिसे सिस्टम ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। उनका लुक बेहद खतरनाक था, सिर्फ लंबे बालों के जरिए ही वो अपने लुक में खलनायक की झलक ले आए थे। फिल्म में उनके काम की बहुत 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 तारीफ की गई। तो पहले वाले बल्लू को सिस्टम ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था, पर अब अधीरा सिस्टम पर हथियार उठाएगा। मतलब इन 36 सालों में संजय का विलेन रूप इतना ताकतवर हो गया है जो अब किसी के खिलाफ भी लड़ सकता है। अब साउथ इंडस्ट्री को खलनायक के रूप में एक नया और काफी उम्दा कलाकार मिलेगा, जो न सिर्फ आज तक बॉलीवुड पर राज करता था बल्कि अब टॉलीवुड पर भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। तो क्या पहला खलनायक का चोला अधीरा के चोले पर भारी पड़ेगा? क्या बल्लू के लंबे बाल अधीरा की लंबी और भयानक दाढ़ी को मात दे पाएंगे? क्या अधीरा का खतरनाक रूप भारी पड़ेगा इनके पहले के खलनायक किरदारों पर? क्या अधीरा साउथ में भी छोड़ पाएगा अपना खलनायक वाला रूप? और संजय के बाकी के खलनायक रूप कैसे लगते अधीरा से? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की स्क्रिप्ट लिखी थी मनीषा जैन ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।